Assalamu alaikum students, how are you all? Today our topic is chapter number 4, decimals and percentages. Decimals क्या होते हैं? कोई भी number जिनमें वो point आ जाता है उसे decimal कहते हैं. और percentage क्या होती हैं कि जो obtained marks होते हैं, जैसे आपके marks होते हैं ना, obtained marks को हम total marks पे divide करते हैं. divide करने के बाद हम 100 से multiply करके जो answer आता है वो हमारी परसेंटेज होती है. जैसे आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स होते हैं ना, उनकी परसेंटेज आती है, वो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हम परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं और नंबर्स को डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं. एज यू हैव प्रैक्टिस डेसिमल्स इन क्लास 4, डेसिमल्स की डेसिमल प्लेसेस भी होती हैं. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है 42.3. डेसिमल प्लेसेस क्या है? जो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे नंबर्स होते हैं ना, डिजिट्स होते हैं, वो आप नंबर्स की डेसिमल प्लेसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल ये 3 है, 1 डिजिट है, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस क्या बनेगी? पॉइंट के बाद ये टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स है, 3 प्लेसेस होती हैं डेसिमल प्लेसेस. 3 जो है वो टेंथ है, अगर एक डिजिट होगा वो टेंथ में फॉल करेगा. तो ये इसे हम कैसे राइट करेंगे? 4 टेंथ है, 2 वंस है, 0.3 टेंथ है. ठीक है, ये पॉइंट के बाद वाली डेसिमल प्लेसेस स्टार्ट हो जाती है. अब ये 118.61 है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स हैं, अगर 2 डिजिट्स होंगे तो वो हंड्रेड्स में होंगे, 118.61. ठीक है, 6 जो है वो टेंथ है और 1 जो है वो हंड्रेड है. अगर 4.993 है, तो अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो इसकी डेसिमल प्लेस क्या बनेगी? थाउजेंड्स बनेगी, 4.993. ठीक है, 1 होगी तो टेंथ है, 2 है तो हंड्रेड्स है, 3 है तो थाउजेंड्स है. नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. उन्होंने कहा है प्रोडक्ट फाइंड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3. हमने 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 फोर ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 टू ज़ार 6, 6 में 1 प्लस करें 7, 7.2. अब ये देखें, ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट मतलब 4 से पहले है और 2 के बाद है. ठीक है, सेंटर में है, तो इसकी डेसिमल प्लेस जो है वो टेंथ है. तो जो आंसर होगा ना, आंसर में भी आपने इसी तरह उसकी प्लेसेस देखकर फिर आपने पॉइंट लगाना है. अब यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ आएगा? 7.2 बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 फाइव ज़ार 10, 0 लगा 1 कैरी, 1 नीचे आ जाएगा, 2 वन ज़ार 2. अब ये हमारा आंसर आया 2.0. पॉइंट जो है वो हमने लगाया क्योंकि ये टेंथ प्लेस है, तो टेंथ प्लेस पे ही हम यहाँ पे आंसर में भी हम पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.0. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट एच, 0.998 मल्टीप्लाई बाय 15. अब यहाँ पे देखें, मैंने पढ़ा है 0.998, आपने पॉइंट के बाद जो नंबर्स पढ़ने होते हैं, डिजिट्स पढ़ने होते हैं, वो 998 पढ़ना होता है, 998 इकट्ठा नहीं पढ़ सकते. ठीक है, 0.998 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 से मल्टी 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एट ज़ार 40, 0 लगा 4 कैरी, 5 नाइन ज़ार 45, 45 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, 9 लगा 4 कैरी चला जाएगा, 5 नाइन ज़ार 45, 45 में 4 प्लस करें तो 49, ये हमारा पूरा आ जाएगा, 5 ज़ीरो ज़ार 0. नेक्स्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 14970. अब यहाँ पे देखें, इसकी जो पॉइंट है वो थाउजेंड प्लेस पे है. ठीक है, डेसिमल प्लेस पे, तो हमने इधर आंसर में भी इसका थाउजेंड डेसिमल प्लेस पे ही इसका आंसर लिखना है, 14.970. अब यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट प्लेस जो है आंसर की, वो भी 14.970 बन रही है. ठीक है,